को लेकर के जाएंगे, तो अब ये लोग कब जाते हैं थोड़ा बताइएगा। उनसे पहले बात पूछिए तब हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो कब लेकर के जा रहे हैं, क्यों आए हैं इस सबके पास? नीतीश मंडल घर वाला है, उसके नाम से जिएंगे मरेंगे, वो हमको मिले ना मिले तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। कौन है? मोदी है और ये लालू है और ये सुनील पासवान है। ये गुड़िया देवी के पास है क्या? आपकी बेटी है ना? हाँ, हमारी बेटी। और ये सुमन है, सबको जानते हैं, बस बोल दीजिए सुमन के हम सुमन हैं। हम सुमन। हाँ सुमन है। तो देखिए अब हम इन लोग से बात करने का कोशिश करेंगे। आप जो है आज सुनील पासवान आए हैं गुड़िया देवी को और अपने जो भी बच्चा है उनको लेकर के जाएंगे, तो अब ये लोग कब जाते हैं थोड़ा बताइएगा। उनसे पहले बात पूछिए तब हम बोलेंगे। अच्छा ठीक है, तो कब लेकर के जा रहे हैं, क्यों आए हैं इस सबके पास? बाल बच्चा को लेके आया है, सो पूछिए। खुद आए, हमको कौन बुलाएगा? कौन जब हमको कौन बुलाएगा? बुलाया गया कोई नहीं, हमको बुलाया, हम किसी को फोन किए, मगर देखो इधर रहो तुम लोग, बाबू संध्या इधर लेकर रहो, नंबर रखे हो, यहाँ रहो सब आदमी। हाँ हम इससे पहले जो भोला को भेजे थे ना, इनसे बात हुआ, मेरी बेटी को भी, तो उन्हीं का जो कुटुम्ब आया ना, उनके संग हम निकल गए। ओ कुटुम्ब के साथ आए हम, तो आप सोचिए हम झूठ बोले थे, तो कहा पूछ लीजिए कैसे कैसे आप लोग आए। भोला चाचा का ना यार रिलेशन है क्या? चलो क्या चलो भोला चाचा के नहीं सारू लगते सारू सारू। तो चलिए इसके घर का पास का कोई व्यक्ति है जो इसका रिलेशन है यहाँ अररिया में, तो ये लोग आए, अब ये लोग गुड़िया देवी को और अपने बच्चे को लेकर के जाएंगे, यही ना आपका सोच है? जी, जी, तो आप लोग कब आए? हाँ हम कल शाम में आए, कल शाम 5 बजे यहाँ पहुँच गए थे हम अररिया। हाँ पहुँचने के बाद फिर गए कुटुम्ब के घर पर,
वहाँ से आए और फिर हमको ये बस स्टैंड में कर्नौले पर ही मिल गई। मतलब हाँ, सुमन और ये आपको बस स्टैंड में मिल गई? मिल गई सुबह शाम में 7 बजे लगभग। फिर इसको हम ले गए वही कुटिया। आप जब जब मिल गई होगी तो आप पहचाने होंगे या आपको पहचाने ये लोग? हाँ तो पहचाने तो पहचाना की। फिर ले गए कुटुंब के घर पर, वही खाना ताना फिर खिलाए, भरा तो वहीं रखे। फिर स्कूल से बच्चा को निकाले सुबह में। ये कहाँ था बच्चा जो? वो प्राइवेट स्कूल में था। ओ प्राइवेट स्कूल में, यानी कि गुड़िया देवी भर्ती का। कौन सा स्कूल में था बाबू, पता है कौन सा स्कूल में था? बगल में हॉस्टल में। हाँ हॉस्टल में थे ये लोग, तो वहाँ पर नाम कटवाए? नहीं, वो बोली मैम कि देखिए आपका बच्चा छत पर चल जाता है, गिर तिर पड़ेगा, कुछ हो जाएगा तो हम जवाब दे ही देंगे। हम संजोग से पहुँच गए, हम अपना बड़ी वाली बेटी पहुँच गए वहाँ, मेरी छोटी वाली बेटी भी थी। तो मैम बोला कि नहीं बुरा बुलाओ गुड़िया देवी को, हम इसको बुला के ले गए तो नाम यार कट गया है। नाम कटा के आप बोल रहे हैं बाल बच्चा को लेकर चले जाएंगे, तो जाने के लिए तैयार है ना गुड़िया देवी? तो नखर नखर कर रही है, तो सामने वाला बात है, अब उन्हीं से पूछ लीजिए। वो ना मतलब नखरा कर रहे हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं कि मतलब उसको लगता है कि कहीं पहले जब गुड़िया देवी आप पर बहुत आरोप लगा चुके हैं, हम लोग हमको मार पीट करते थे ऐसे वैसे बहुत सारा कुछ, तो ऐसा तो नहीं कीजिएगा फिर ले जाइएगा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले करते थे ऐसा क्या? देखिए एक परिवार है तो थोड़ा बहुत तो बहुत में ही बोले हैं कि अब गरीबीपन है तो उसमें तो थोड़ा बहुत बर्तन ही करता है, थोड़ा बहुत हर के घर में होता है, हमारे घर में नहीं बड़ा से बड़ा घर में भी होता है, थोड़ा बहुत तो होता ही रहता है। अब कभी दिक्कत हो गया घर में उस बात पर हो गया तो ना मानी बातें बाती से हो जाता है, यही यार है सर घर का। जी क्या सुमन आप भी गई थी? हाँ, जी हाँ गई। कौन सा स्कूल में था ये आपका दोनों बच्चे? नाम नहीं, नाम नहीं याद है, यही अररिया में ही है। तो चलिए आप नाम कटा के ले आए आप जो है तो जब ये लेके गया है आप इतने अच्छे पति को आप क्यों बोल रहे हैं? कोई नहीं है, कोई नहीं है ये बात। अच्छा पति 4 साल से कहाँ थे आप? हम 4 साल से आप हमको भगा दिए मार पीट के। सुनिए जब आप हमको, अच्छा सच में आप इसको भगाए हैं? ये हमको बोला रंगी नहीं रखेंगे तलाक देंगे, ये पूछा, बोलिए पूछिए इसे, इसीलिए हम सामने में बोल बोलाए हैं, पूछिए इसे। देखिए इसको अब ये सुनिए, इसको सामने हम ला करके जलील मत की, जलील नहीं करते जो सच है
ये सोच रहे हैं किसी प्रकार से मेरा जो बच्चा है मेरी पत्नी देखिए अगर बच्चा पर आपको प्यार है तो हम बोले ना, हम सब मीडिया में भी बोले हैं कि अगर आपको बच्चा से प्यार है, बच्चा को अगर हम बिल्टा रहे हैं, अगर उसका भविष्य खराब हो रहा है, आप भविष्य खराब कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं बच्चा का भविष्य खराब कर रहे हैं आप, भविष्य खराब हो रहा है तो आप बच्चा को ले जाइए, लेकिन कागज बना के दे दीजिए तब ले जाइए। क्या कागज बना के देंगे, क्या बना के देंगे, क्या चीज? अगर बच्चा के साथ कुछ होगा तो हम गुड़िया देवी को बदनामी नहीं आना चाहिए, इतना अथी है ना कि बच्चा को बेच भी सकता है, अब बोल देगा कि गुड़िया देवी बेची, जैसे जमीन बेच के 5 लाख में दारू पिया है तो बोला है ना आप लोग के पास कि गुड़िया देवी के लिए बेच दिए, पूछते ही छे इससे पूछिए, जो जमीन बेचा हम थे वहाँ पे। अच्छा आपको कितना जमीन था, पूछिए ना इससे कितना जमीन था, कितना जमीन था? जमीन तो कम ही था लेकिन ये बोले हैं कि कम नहीं था, दो जगह था, एक आता नहीं, 2 जगह जमीन था, पूछिए इससे। हाँ वो बात समझ रहे हैं, जमीन बेचे हैं तो वो दुकानदारी और क्या सब था, बीमारी सब में जो है काम आया था, यही सब कुछ था, क्या सब था थोड़ा एक बार दिक्कत था, जब दिक्कत होता है सर। हाँ ये बात सही है, देखिए ये घर का मैटर है, सकता है सब जमीन नहीं हम ही बेचे हैं जमीन, दुनिया में बहुत आदमी है जब दिक्कत होता है तो ऐसा काम करना। जोर से कहिए इनको बोलने के लिए। अच्छा चलिए अब चाहे जो भी हुआ, लेकिन आपका पति आया ना आपको खोजने के लिए? मेरा पति क्यों आया 4 साल के बाद, हम 3 साल नीतीश मंडल के पास रहे, मेरा घर वाला वो है, ये क्यों आया अभी काहे आया? नीतीश सुनिए सुनिए, नीतीश मंडल आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, नीतीश मंडल आपको पत्नी मान रही है, रहे हैं पहले, हम उसकी पत्नी है, जबरदस्ती पत्नी हो जाए हमको, हमारे पास 5 को गवाह हुआ है ऊपर। अच्छा आप इसका पत्नी कैसे नहीं है? नहीं है। कैसे नहीं है? कैसे नहीं इसका पत्नी रहते तो इसके साथ रहते, अभी भी इसके साथ ना, इसके साथ रहते है। बोल रहे हैं ना अभी भी साथ है, इसके साथ रहते, अगर इसके पत्नी रहते ना तो 4 साल में अगर 4 दिन 3 दिन अगर औरत निकल जाती है ना घर से तो मर्द खोजने के लिए जाता है। ये मर्द बीमार था, मर्द बीमार था क्या जब ये गई थी, कैसे थे आप? पूछिए सुमन से, पूछिए हम गेट पर थे क्या? सुमन इधर सुनिए, इधर एक सप्ताह के बाद ही इसका पट्टी खुलने वाला था। जब आप निकले थे तो आपका पिताजी इलाज करके गए थे, पैर टूटा हुआ था तो आप कैसे बोल रहे हैं कि ये भगा दिए हैं? सुनिए आप कैसे बोल रहे हैं कि ये भगा दिया था? देखिए पैर टूटा था, आपका पति है और इनसे 5 बच्चा पैदा हुआ है, वो 5 बच्चा पैदा करने से पैर टूटा हुआ था, उसके बावजूद भी हमको भगाया है, समझ नहीं रहे छल, वहाँ बोले नहीं हम तलाक देंगे, अभी इसको काहे मीडिया के सामने लाए हैं? तो तलाक लेने के लिए लाए, बोला कि हम तलाक देंगे नहीं रखेंगे, हमको भगा दिया, हम जल गए, हम 1 साल के बाद शादी न किए नीतीश मंडल से, हम 3 साल नीतीश मंडल के पास थे, ये हमको 3 साल में काहे ने 3 दिन खोजा। अच्छा ये कब बोले हैं कि आपको तलाक देंगे? और आप बोल रहे सुनिए 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 सुनिए, हाँ जिस दिन भगाया उस दिन ये गोसा तामस में बोल देंगे तलाक देंगे, लेकिन तलाक नहीं ना दिया आपको, पूरा समाज था, पूछिए सुमन से, हम समझ रहे हैं कि आपका पूरा समाज था लेकिन तलाक नहीं ना दिए हैं? नहीं दिया है, मजा करके जो है वो बॉन्ड पेपर लिखित पेपर नहीं, वो बोला डिवोर्स पेपर नहीं, 1 महीना रुको, उससे हम बेइज्जती थोड़ी करते, मारपीट करता था, भगा दिया, हम कहाँ रुकते आप बताइए, जबरदस्ती आपको रहना कहाँ, कैसे हम जबरदस्ती, जैसे जबरदस्ती आप अररिया में रह रही हैं, जैसे जबरदस्ती आप अररिया में रह रही हैं नीतीश मंडल के लिए, वैसे आपको जबरदस्ती रहना चाहिए दरभंगा में। आज जो है नीतीश मंडल के यहाँ जाते हैं तो आपको मारने के लिए दौड़ता है, तो अभी आप उसी के यहाँ बहुत रहे, नीतीश मंडल ना नहीं अभी ना नहीं चिन रहा है, लेकिन इसके जैसा हमको जलील नहीं किया, नहीं करता था कभी, लेकिन इसको हम जितना हम किए ना, बाल बच्चा को हम कमा के खिलाते थे, पूछिए ना, बोलता था ना 500 देते थे कमा के, नहीं देता था, दारू पीता था, अभी भी वो पिए हुआ है, देखिए उसको। अच्छा अभी पिए हुए नहीं है? अरे नहीं पिए हुए, क्या बात कर, सुनिए ना अभी पिए हुए, अभी पिए हुए वो नहीं है। अच्छा ये बताइए अब वो क्या करेंगे, हम उनके साथ सही नहीं जाएंगे, बच्चा को ले जाना है, इसलिए जो हमारे पर लांछन लगाया है, इससे कुछ जमीन बेच के हमको पैसा दिया है, जमीन बेच के हमको पैसा दिया है, इसको पूछिए।
पैर टूटले कई में इलाज भेले। गौरी पासवान भेजता था पैसा, क्या हुआ? कौन है गौरी पासवान? मेरा जीजा जी पैसा देता था, मेरा जीजा जी बोला, मेरे जीजा जी बोला कि जमीन नहीं बेचो, हम पैर ठीक करवा दिए, जमीन नहीं बेचो, जो पैसा लगेगा देंगे, तभी जमीन बेचा। हम बोलते थे तो मारता था, बेड पे नाम के लिए बेड पे ईटा फेंक के मारता था, सबको बुला के इसकी माँ लाती थी, इसकी माँ समाज को लेके आती थी, ईटा फेंक करके, ईटा फेंक के मारता था। लड़की लोग को ऐसा गंदा गंदा गाली देता था ना, हमारी बेटी नहीं है साक्षी, न तो वो आप लोग को बोलती, अब बोलबे की है? इतना गार्जियन के सामने में लबर 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 बोल रहा है, कितना सुंदर सुन रहे हैं। क्या चीज का गार्जियन? कौन गार्जियन? क्या चीज का गार्जियन? नहीं, कौन गार्जियन? गार्जियन है। क्या चीज का गार्जियन? अगर गार्जियन रहता तो हम दूसरा मर्द के साथ रहते, गार्जियन रहता वो आपका कमी है, वो इसका कमी है। अगर ये अच्छा से कमा के खिलाता, अच्छा से घर में रखता, अच्छा आप फैक्ट्री में काम करते, कभी नहीं करते। आप अपनी घरवाली को अच्छा से रखेगा, फैक्ट्री में काम करेगी, नहीं करेगी। इसको भी बोलने दीजिए। हाँ। तीन साल में इसको प्यार हुआ था, हम जवान आदमी, हमको नहीं प्यार हुआ, हमको नहीं प्यार होता। सही बात बोल रहे हैं ये, इतना दिन में, सुनिए 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 सुनिए, सच बोल रहे हैं वो सुनील पासवान, सच बोल रहे हैं। इसको भी, इसको भी तीन साल, इसको भी तीन साल में प्यार हो सकता था किसी से, घर पर जाए तो थूक देगा। देखे तो छेबे करे हम सब कुछ, एक बढ़िया मान सम्मान मिले होता, उसी वही मेरा सब कुछ है, हमको मिले ना मिले, नीतीश मंडल घर वाला है, उसके नाम से जिएंगे मरेंगे, वो हमको मिले ना मिले, तुम्हारा से कोई रिश्ता नहीं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, तुमसे कोई रिश्ता नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। अब क्या कहें, अच्छा ये तीन साल में 15 साल का प्यार आज आप भूल करके 3 साल का प्यार के पीछे आप पागल हैं? हम पागल नहीं हैं। हाँ पागल हैं। नहीं पागल नहीं। और वो प्यार जो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? हम पागल नहीं हैं। सबसे बड़का जो औरत को इज्जत नहीं कीजिएगा ना, आप हीरा मेरा रुपया बिछा दीजिएगा, नहीं रहेगी। ये हमको जितना जलील किया, हम जो कंपनी में काम करते थे, बोलता था 500 रुपया ले लो, सब लड़का लोग को बोलता था जो मन सो कर लो, ये बोलता था, ये पति है मेरा, ये मेरा कोई नहीं है। हम आप लोग को इसलिए बुलाए हैं कि मेरा बाल बच्चा को ले जाएगा, कागज पत्र बनाएगा, कागज पत्र बनाएगा। सुमन एक बार इधर आइए। अच्छा ये बताइए, आप जो अभी बोले हैं एक नया बात बोले हैं कि किसी लड़का को बोलता था 500 रुपया ले लीजिए, जो मन है सो कर ले, क्या सच्चाई है सुमन? हम काम करते थे, मुझे नहीं पता। कंपनी छोड़ना चाहे थे? अच्छा कंपनी छोड़ने के, आप कैसे बोल रहे हैं कि ये पति हमको इस तरह से बोल रहे थे? हम इसको जलील करके मालिक भगा दिया, डॉल्फिन से इसको भगा दिया, इतना गाली देता था, इतना नेहरागिरी करता था, फैक्ट्री में हमको मारता था, हम किसी से बात भी नहीं करते, मेरा वीडियो देखता होगा सब, हम किसी से बात तक नहीं करते थे, ये हमको इतना जलील करता था। जब हमको नहीं निकाला, हाँ जब बात आप नहीं कर रहे थे, जब उस दिन का बात कोई नहीं जानता, जब आपको नीतीश मंडल जब से आपको छोड़ दिए हैं तब से जानने लगा कि गुड़िया कौन है, नीतीश कौन है, सुनील पासवान कौन है, इसीलिए जानने लगा है। अगर हम बात इसके साथ रहने का है, अगर ये सही रहता तो हम फैक्ट्री में काम करते, अगर ये हमको सही से रखता बाल बच्चा के साथ। अभी तो बोल रहे हैं, अभी तो बोल रहे हैं कि सही से रखेंगे, क्यों अभी रहेंगे? हम क्यों नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे, कहाँ रहेंगे? अभी पहले भी था, हमारा इज्जत इज्जत नहीं है, इसको हम लेके भागे वहाँ से, इज्जत नहीं है। अच्छा पहले में कुछ नहीं, कुछ नहीं, ये बोलता है ना लालू, लालू नाम का लड़का के एक बार बोला है ना, पूछिए इससे लालू मेरा कौन था, क्या था? तो रूम छोड़ने के लिए वहाँ भी तैयार नहीं था। अब हम गार्जियन है, वहाँ गए कमाने, ठीक है कमाने गए, हम सब आदमी संग रह रहे थे, ठीक है, हम वहाँ रूम छोड़ के हम बगले में रहेंगे तो कोई दिक्कत है? ना, 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 कोई दिक्कत कहीं भी, आप मान के चलिए गार्जियन आपका जहाँ रखे, शक वाला इंसान है, परदेश में जाइएगा, काम कीजिएगा की 100 रूम खाली कीजिएगा। हमारा भैंसूर इसका भाई, जो इसका भाई, इसका भाई ठेकेदार है, इसका भाई सब जानता है कि हम कैसन है, हम किसी से नहीं लेना देना रखते थे, अगर कोई भी अगर आ गया है ना, ये ऐसा इंसान है कि जिसको देखता था उससे ही फंसाता था। सुनिए ना, अभी आप उस चीज को साबित कर दीजिए ना, नीतीश मंडल को छोड़ करके कि हम जो है, क्यों साबित करेंगे? फिर नीतीश मंडल हमको कभी नहीं जलील किया, लेकिन ये हमको जलील किया। नीतीश मंडल के साथ आप कितना दिन रहे ही हैं जो कि जलील करेगा वो? 3 साल 4 साल उसके साथ हम रहे, 3 साल रहे हैं, 4 साल पहले का बात है। अच्छा क्या कीजिएगा अब, लास्ट बताइए, बहुत बहुत हम लास्ट यही बताना चाहते हैं, हम सबसे विनती जोड़ना चाहते हैं कि जितना बात झूठ बोला था ये आया है अररिया, इसको बुलाया गया है नीतीश मंडल के इधर से, समिति बुलाया है इसको, ये आया है, इसमें नंबर है, सब कुछ रखे, इसका मोबाइल हम रखे हुए हैं, बुलाया गया ये आया है बाल बच्चा के लेने, बाल बच्चा के लेगा, कागज पत्र बनावे ले जाए, हम इसके साथ नहीं जाएंगे, हमको इससे कोई मतलब नहीं। कुछ मत कीजिए,
कुछ नहीं किया। आपका और कोई सवाल बचा है जो बोलते हैं कि सुनील पासवान वहाँ से झूठ बोलता है? अभी सुनील पासवान आपके साथ पूरा बात झूठ बोलता है। कौन सा बोल सारा बात झूठ बोलता है? सामने में क्या जमीन बेचने के बारे में झूठ बोलता है? बोलता है ना कि कभी नहीं नहीं हम कमा के देते थे, वो झूठ बोलते, कुछ नहीं करते थे, ये हमको कमा के नहीं देता था, बस मीटिंग में भरता था पैसा, घर में खाने के लिए नहीं देता था। तो खाने के लिए नहीं देता था, कैसे आप लोग? हम सब्जी बेचते थे। हाँ सुनिए ना, तो एक पिताजी का भी जो दायित्व होता है उससे ज्यादा माँ का भी दायित्व होता है। जैसे आप पांच बच्चा भी पाल रहे हैं ना, चार बच्चा हमको रहने देते ना, वैसी है कि हमको रहने देते, हमको इतना ही लालचन लगाया, हम नहीं ऐसा कुछ करते। आज हमको आज घर से थूक बेकार दिए, भगा दिए, हमारे दुनिया उजाड़ दिया। उजड़े तब ना हम गए, तब ना हम किसी से शादी किए। जब मेरे दुनिया में वो आया था, आप क्यों आती कर रहे हैं? आपके साथ हम कभी नहीं रहेंगे। चलिए तो इसके बारे में, ये दोनों के बारे में, और ये पिता जो हैं, ये पति जो हैं, ये जो है आए हैं ये लोग को ले जाने के लिए, अब गुड़िया देवी जाती है कि नहीं जाते हैं, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए आप लोग देख रहे थे एरिया न्यूज़। जय हिंद।